मेरा अपना सुरक्षा सर्कल। इस काम में तो पूरा दिन लगेगा, मुझे घर आते आते रात हो जाएगी। मटरू स्कूल से कैसे आएगी? मम्मी मुझे लेने नहीं आएगी, क्या मुझे अकेले ही स्कूल से आना होगा? फिर घर में अकेले रहना और रात में भी अकेले सोना होगा, मैं तो बहुत मुश्किल में पड़ गई। मम्मी बस अब कहीं मत जाओ मुझे अकेला छोड़कर, प्लीज मम्मी प्लीज। मटरू शांत हो जाओ, क्या हुआ तुम्हें? मम्मी मैंने आपको फोन पर बात करते सुना है कि आप मुझे स्कूल से लेने नहीं आओगे। हाँ मटरू तुमने ठीक सुना है, मैंने इसके दो उपाय सोचे हैं और मुझे लगता है पहला दूसरा तरीका सही रहेगा। रुको तुम्हें अभी सब समझाती हूँ। मैंने दादाजी को फोन करके कहा है कि वो गप्पी के साथ तुम्हें भी स्कूल से अपने घर ले जाएं और शाम को मैं तुम्हें वहीं लेने आ जाऊंगी। तो क्या दादाजी मुझे लेने आएंगे? हाँ, और साथ ही मैं तुम्हारी मैडम को ये चिट्ठी भी दूंगी जिसमें ये लिखा है कि छुट्टी के समय मेरी जगह गप्पी के दादाजी तुमको स्कूल से ले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू मम्मी। मटरू लेकिन तुम्हारी बात से मुझे एक ख्याल जरूर आया है। क्या माँ? ये कि हमें बात करनी चाहिए कि तुम्हारे सुरक्षित बड़े कौन हैं। सुरक्षित बड़े? उसका क्या मतलब हुआ माँ? सुरक्षित बड़े कुछ ऐसे लोग हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हर हालत में तुम्हारा ध्यान रखना चाहते हैं, जिन पर तुम पूरा भरोसा कर सकती हो। पूरा भरोसा माँ? हाँ मटरू, इन लोगों को तुम कभी भी कहीं भी और किसी भी मुसीबत में हो तो इनसे बात कर सकती हो। चलो बताओ क्या तुम ऐसे कुछ लोगों को जानती हो? जैसे आप और हैप्पी चाचा। हाँ बिल्कुल सही, आओ तुम्हारा सुरक्षित और भरोसेमंद बड़ों का सर्कल बनाएं, यानी तुम्हारे आसपास के भरोसेमंद बड़े लोगों की पहचान करें। पर उसके लिए हमें चाहिए होगा एक पेपर और पेन। वो तो मेरे झोले में मिल ही जाएंगे मम्मी। बहुत बढ़िया, तो ये हो बीच में तुम और ये मैं और तुम्हारी मैडम। और कौन हो सकते हैं मेरे भरोसेमंद बड़ों के सर्कल में? तुम ही बताओ तुम्हारे सर्कल में और कौन आएगा। ऐसे लोग जिनको तुम अच्छे से जानती हो, उन पर विश्वास कर सकती हो और वो तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखते हो। हाँ दादाजी, जैसे आप मुझे लेने नहीं आओगे तो दादाजी मेरा ध्यान रखेंगे। उन्हें मैं अच्छे से जानती हूँ बचपन से और मुझे पता है कि वो हमेशा मेरा अच्छा ही सोचेंगे, है ना माँ? बिल्कुल सही। माँ तो क्या मैं इसमें किसी का भी नाम लिख सकती हूँ, जैसे किराने की दुकान वाले चाचा? नहीं बेटा, किराने की दुकान वाले चाचा अच्छे हैं और तुमसे बात भी प्यार से करते हैं, मगर क्या तुम उन्हें अच्छे से जानती हो? नहीं माँ, हम तो उन्हें कभी कभी मिलते हैं। बिल्कुल सही, सुरक्षित और भरोसेमंद बड़े वो हैं जिन्हें हम काफी समय से जानते पहचानते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। जैसे हैप्पी चाचा। बिल्कुल सही मटरू, इसीलिए जरूरी है कि इस सर्कल में कौन कौन होगा इसके बारे में मुझसे पहले बात करो और हम मिलकर सोचेंगे कि ये खास लोग हैं या नहीं। थैंक यू माँ। ये है एक सुरक्षा सर्कल, मेरा अपना एक सुरक्षा सर्कल। इनमें है कुछ लोग खास। जब भी हो कोई मुश्किल पास या फिर हो जाओ उदास, अपनी छोटी बड़ी परेशानी को लेकर जा सकते हो इनके पास। ये है एक सुरक्षा सर्कल, मेरा अपना एक सुरक्षा सर्कल। थैंक यू मम्मी, मेरा सुरक्षा सर्कल बनाने के लिए। अब मुझे पता है कि मैं किस किस के साथ बिना झिझक के बात कर सकती हूँ। मटरू ये चार्ट तुम आज अपने साथ ले जाओ और अपने साथ हमेशा रखो, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारे सुरक्षित और भरोसेमंद बड़े कौन हैं जिनसे कभी भी तुम बात कर सकती हो और मदद मांग सकती हो। ठीक है मम्मी, अब चले स्कूल। हाँ बिल्कुल। दोस्तों मेरी तरह आप भी अपने परिवार के साथ मिलकर अपना भरोसेमंद और सुरक्षित बड़ों का सर्कल बनाएं और किसी भी मुसीबत या मुश्किल में उनसे खुलकर बात करें। मुझे पूरा विश्वास है ये आपके बहुत काम आएगा। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।